हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नीतीश यूनिवर्स। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। और बस आज ही बात नहीं करेंगे, एक सीरीज़ बना रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। लेकिन क्या होगा इसमें, चलो थोड़ा सा इंट्रो आपको बता देता हूँ। अगर आप प्लेन में जाते हो, वहाँ पे एयर होस्टेस होती है, आप जैसे डोर में जाते हो वो आपको वेलकम करती है, आपको गुड मॉर्निंग समथिंग बोलती है, लेकिन एक्चुअली वो कहना चाहती है, वो तो उसका काम है इसलिए वो कहती है, लेकिन उसके कहने में। और अगर उसकी जगह अगर आपकी मम्मी होती है, आपके डैडी होते हो, जो आपके घर, आप घर जाते वक्त या आप जब घर पहुंचते हो तब आपको ग्रीट करते हैं कि कैसा है, खाना खाया क्या, ये किया क्या, उन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्योंकि जब एयर होस्टेस आपसे बात करती है तो वो उनका काम है, ओके, और जब आपकी मम्मी आपसे बात करती है तो वो दिल से आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बीच में, जो हमें दिखाया जाता है आजकल कि आप कैसे, आपको कपड़े पहनने चाहिए, कैसी बात करनी चाहिए, कौन कौन से लैंग्वेज सीखने चाहिए। ये तो उस प्रोफेशन का नीड है, उसमें पर्सनैलिटी का कोई रोल है ही नहीं। अगर ऐसा होता कि वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता तो हमारी सोसाइटी में क्राइम होते ही नहीं। आजकल हमें जो न्यूज़ दिखाई दे रही है, जो न्यूज़ बहुत ही गलत होती है। क्यों गलत होती है? क्योंकि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी करवाते हैं, ओके। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज़ें सीखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उधर की नीड है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ही डीप टॉपिक है, उसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक सीरीज़ बनने वाली, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनेगी, तो आप इसको, आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी है। तो बेसिकली होता क्या है, हमारी पर्सनैलिटी है क्या, हम जो सोचते हैं, उसके बाद हम जो सोचते हैं वो क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमें कुछ बाहर दिखाई देता है, फिर वो दिखता है, बाद में उसके ऊपर सोचते हैं, सोचने के बाद रिस्पॉन्स करते हैं। सो देखना, सोचना, रिस्पॉन्स करना, देखना, सोचना, रिस्पॉन्स करना, ये दो तीन चीज़ें होती है और वही हमारी पर्सनैलिटी है। क्योंकि वही तो हम हर एक जगह पे कर रहे हैं, चाहे आप किसी से बात करो, कहीं पे जाके काम करो, किसी को टेक्स्ट मैसेज करो और कुछ करो, जितना भी कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो कहाँ भी हो, उसमें यही पॉइंट आता है कि आप बाहर की दुनिया को कैसे परसीव करते हो और बाद में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। लेकिन ये जो करने वाला है वो कौन है, उसको तो जानना चाहिए। तो वो है आपका माइंड। फिर आपको ये जानना चाहिए कि आपका माइंड काम कैसे करता है और एक्चुअली हमारे माइंड का यूज़ अच्छे से कर पा रहे। देखो, आपका माइंड चाहता है कि एक जगह पे फोकस करना, लेकिन आजकल सिस्टम ही कुछ ऐसी बनाई गई है कि आपको एक जगह पे फोकस करने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है। आप आपका फ़ोन देखो, आपके फ़ोन में बार बार दिन भर नोटिफिकेशन बजते रहते हैं। आप एक को चेक करते हो तो दूसरा, दूसरे को चेक करोगे तो थर्ड पे जाओगे। मतलब आपको ट्रेन किया जा रहा है कि आप कैसे फोकस ना करें। और आपने अगर देखा तो कोई भी पर्सन जो उसके फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल है क्योंकि उसने एक ही चीज़ पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फोकस किया था। और आप देखो, आज जैसे शॉर्ट वीडियो आते हैं, जैसे टिकटॉक था उस पर वीडियो आते थे और भी बहुत सारी जगह पे आते हैं, तो ये जो शॉर्ट वीडियो है ये आपका अटेंशन स्पैन कम कर रहे हैं। मतलब ये तो आप सारी चीज़ें आपको पता है, लेकिन मैं इस टॉपिक से रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, आपको लगता है कि आप फ्री हो, लेकिन एक्चुअली आप फ्री नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि आप जो करना चाहते हो वो आपको इनडायरेक्टली कुछ लोग है जो नहीं करने दे रहे, मतलब आप एक्चुअली फ्री नहीं हो। इसीलिए आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी चाहिए, इसीलिए ये इंटेंशन है इस सीरीज़ के पीछे। तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे माइंड कैसे काम करता है और माइंड में टोटली क्या होता है, उसका मैकेनिज़्म क्या होता है। तो फर्स्ट आप थोड़ा सोच के देखो, अगर आप किसी अननोन आदमी से मिलते हो, उससे बात करना स्टार्ट करते हो और अगर आपने उसको ठीक से देखा, तो कभी कभी ऐसा होता है हमें लगता है कि हाँ, मैंने इसको पहले कहीं देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन वो पर्सन तो अननोन होता है, तो हम उसको डायरेक्टली ऐसे पूछ नहीं सकते। फिर हमारा माइंड स्कैन करने लगता है कि सेम पर्सन को मैंने कहीं देखा है क्या, या इसी जैसा, मतलब थोड़ा बहुत ऐसे ही दिखने वाला कोई अदर पर्सन मैंने देखा है क्या।
मतलब फर्स्ट थिंग यह होता है कि हमारा माइंड किसी भी चीज़ को जब देखता है तो उसको प्रीवियस हिस्ट्री में चेक करने लगता है, स्कैन करने लगता है कि एक्चुअली ऐसा पर्सन है क्या। ये पर्सन के बारे में हो गया। और एक बात, जैसे जैसे आप किसी इवेंट को देखते हो तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, अरे मैंने सेम चीज़ कहीं पे देखी थी। अब वो सेम चीज़ क्या है ये भी हमारा माइंड स्कैन करने लगता है। मतलब हमारा माइंड क्या होता है, उसमें फर्स्ट लेयर आता है, दैट इज़ अ मेमोरी। मेमोरी हमारे मेमोरी का एक्चुअली मतलब जो होता है वो है इम्प्रेशंस। हम जो भी इवेंट को देखते हैं, फील करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ये सारे हमारे माइंड के ऊपर, जो माइंड का सबसे नीचे वाला लेयर है उसको चित्त कहते हैं, उसी को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसके ऊपर उसके इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। सेकंड फोल्ड ऑफ माइंड ये होता है कि हमारा माइंड चीज़ों को समझना चाहता है। वो सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, चाहे वो पास्ट से हो मतलब मेमोरी से, चाहे वो अभी प्रेजेंट में जो दिख रहा है, वो सारी चीज़ों को इंटरलिंक करता है। और जैसे ही वो इंटरलिंक हो जाती है तो वो कंसेप्चुलाइजेशन स्टार्ट करता है, मतलब कंसेप्ट बनाता है किसी चीज़ के बारे में। जैसे हम देखो, जैसे एक ही चीज़ के ऊपर हम 3-4 बुक पढ़ते हैं और अचानक से हमें क्लिक हो जाता है, अच्छा ये ऐसा था। इसी को बोलते हैं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गई किसी चीज़ के बारे में। जैसे कोई मशीन है वो कैसे काम करती है, ये आपको समझ में आ गया क्योंकि आपने उसके सारे पार्ट्स का स्टडी कर लिया। अभी आपको समझ में आ रहा है, अच्छा ये पार्ट्स इससे कनेक्टेड है, वो ये पार्ट दूसरे से कनेक्टेड कैसे है। इसी को कहते हैं कि कंसेप्ट बनाना। तो सेकंड थिंग माइंड ये करता है कि चीज़ों के बारे में एक कंसेप्ट बना ले। अब एक बार मेमोरी का काम हो गया, सेकंडली वहाँ पे क्या हो गया, कंसेप्ट बन गया। अब बात आती डिसीजन लेना। डिसीजन मेकिंग इज़ द थर्ड फोल्ड ऑफ आवर माइंड। हमारा माइंड डिसीजन लेने को स्टार्ट करता है, इसी को हम विल पावर भी कह सकते हैं। किसी चीज़ को डिसाइड करना, ये करना ही विल पावर होती है। कुछ लोग बहुत स्ट्रांगली वो कर पाते, इसलिए हम कहते हैं कि उनकी विल पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन डिसीजन मेकिंग ये आता है अगर आपके पहले वाले दो फोल्ड बहुत ही अच्छे से अगर रन हो रहे तो आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हो, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहते हो। एक बहुत अच्छी सी लाइन है, इंसेक्टिसाइड किल्स इंसेक्ट, पेस्टिसाइड्स किल्स पेस्ट, एंड डिसाइड किल्स ऑप्शंस। तो अगर आपको ऑप्शन को डिलीट करना है और क्लियरिटी चाहिए, आपकी विल पावर चाहिए, तो आपके पहले वाले दो फोल्ड अच्छे होने चाहिए, मतलब आपकी मेमोरी स्ट्रांग होनी चाहिए, और सेकंड आपको कंसेप्ट बनाना अच्छे से आना चाहिए, और सही कंसेप्ट बनाना अच्छे से आना चाहिए, तब जाकर आपका थर्ड फोल्ड अच्छे से काम करता है, और वो होता है डिसीजन मेकिंग। एंड द फोर्थ फोल्ड इज़ आई कॉन्शियसनेस। आई कॉन्शियसनेस में फर्स्ट लेटर आता है आई। आई का मतलब क्या है आपको पता है? तो आपके लाइफ में जो भी होता है, चाहे सैड मोमेंट हो या अच्छा मोमेंट हो, आप हमेशा उसको खुद से रिलेट कर लेते हैं, खुद से। देखो, अगर आप गुस्सा हो गए तो आप गुस्सा होते हो क्योंकि सामने वाला आदमी आपको हर्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आई आता है। अगर आप हैप्पी हो रहे हो तो उसमें भी आई आता है। कभी आप सैड हो गए, आप रोने लगे, तो देखो आप कभी भी रोने लगे ना तो उसमें 100% आय होता है। अगर आय नहीं होगा तो रोने का चांस आता ही नहीं है क्योंकि वो चीज़ आपके रिलेटेड नहीं है। सो आई कॉन्शियसनेस को ही कहते हैं अहंकार, जो हमारा अहम होता है, अहंकार। तो ये होता है हमारा फोर्थ फोल्ड ऑफ माइंड, और ये होता है, इसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब इसको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उस आय को समझना, उस आय के बारे में अच्छे से समझना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं किससे बना हूँ और मैं क्या चाहता हूँ। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो फिर आपके जो अहंकार वाला जो प्रॉब्लम है वो ड्रॉप हो जाता है और चीज़ों को आप ऑब्जर्व करने लगते हो। आप अगर कुछ इवेंट होता है तो इवेंट अच्छा हुआ या बुरा हुआ इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप बस देखते हो कि कोई इवेंट हो गया, ओके। वो इवेंट आप खुद से रिलेट नहीं करते हो, और ये होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि आपको ये समझना है कि इवेंट्स हमेशा आते रहेंगे, इवेंट्स हमेशा जाते रहेंगे, लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगी, वो आप खुद हो,
मतलब आपको एक्चुअल में कोई कुछ कर नहीं सकता। आपको जो लगता है किसी ने मुझे हर्ट किया, किसी ने मुझे सैड किया, तो वो सैडनेस बस एक इमोशन होता है, वो आपको कुछ कर नहीं सकता है। और ये जानना, ये समझना और इसमें एक्सपर्ट होना, यही तो होता है एक्चुअली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये आपका फर्स्ट सेशन था, ये फर्स्ट वीडियो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में। तो आपको ये कैसे लगा डेफिनेटली कमेंट में लिखो, इस पर एक सीरीज़ बनने वाली है, तो डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।